अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। इसमें हम खड़े हैं वसई के किला बंदर जेट्टी पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे रो फेरी बोट सेवा की बोट पड़ी हुई है। इसमें आने वाले समय में वसई से भाईंदर 15 मिनट में पहुँचा जा सकेगा, और आम प्रवासी तो ठीक है, लेकिन साथ ही फोर व्हीलर के साथ में इसमें जाया जा सकेगा। फोर व्हीलर टू व्हीलर सभी लेकर इसमें जाया जा सकता है। ये सेवा इस समय वसई में पहली बार शुरू होने वाली है, और यह सेवा महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में पहले से जा रही है, गोवा में जा रही है, गुजरात में जा रही है। इस सेवा में आप देख सकते हैं ये जो बोट आपको दिखाई दे रही है, अभी पानी की भरनी ज़्यादा है। ये बोट, इस बोट में अभी जहाँ जेसीबी पड़ा है उस जेसीबी अभी काम शुरू है, लेकिन 20 तारीख के बाद से इसकी शुरुआत होनी है। ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत होगी। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने जो प्रेस नोट निकाला है उसमें बताया गया है कि इसमें 33 फोर व्हीलर, उसके अलावा दूसरी मोटरसाइकिल और इस तरह से इसमें ले जाई जा सकती है। 100 यात्रियों की इसकी क्षमता है, और इसकी जो दर फिक्स की गई है वो दर कुछ ऐसी है, मोटरसाइकिल 60 रुपये जो एक ड्राइवर के साथ, खाली रिक्शा है अगर कोई पैसेंजर नहीं है सिर्फ उसमें उसका ड्राइवर है तो 100 रुपया है उसका। चार चक्की वाहन फोर व्हीलर है वो एक चालक के साथ 180 रुपये उसका। मासे पक्षी कोबंडी इस तरह से जानवर है उनका 40 रुपये प्रति नग है। प्रवासी प्रौढ़ यानी कि 12 वर्ष से अधिक के प्रवासी जो है उनका 30 रुपये टिकट है, और 3 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों का 15 रुपये टिकट है। इस तरह से इस फेरी बोट सेवा में मंगलवार से ये सेवा शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के ओर से ये प्रेस नोट जारी किया गया। ये जो सेवा है वसई से सुबह 6:45 पर चलेगी, जो रिटर्न भाईंदर से 7:30 बजे होगी। दूसरी फेरी 8:15 को है वसई से, भाईंदर से 9:30 है। तीसरी फेरी वसई से 10:30 है, भाईंदर से रिटर्न 11:15 है। चौथी फेरी 12 बजे की है वसई से, भाईंदर से 12:45 की रिटर्न है। लंच का समय है उसके बाद करीब 1.25 घंटे का, उसके बाद लंच के बाद 2:15 फिर से वसई से निकलेगी, वो 3 बजे भाईंदर से निकलेगी। फिर उसके बाद 3:45 वसई, 4:30 भाईंदर, 5:15 वसई और 6 भाईंदर, शाम को 6:45 वसई और 7:30 भाईंदर। इस तरह से 4 फेरी सुबह, 4 फेरी शाम को, टोटल 8 फेरी होने वाली है। ये कार्यक्रम जाहिर किया है। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार को ये जानकारी सामने आई थी कि इस फेरी बोट सेवा का उद्घाटन होना है, और यहाँ तैयारियाँ हो चुकी थी, लेकिन कहीं कारण, तांत्रिक कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से मंगलवार को उद्घाटन नहीं हुआ। बाद में ये जारी किया गया कि 16 तारीख शुक्रवार को इसका उद्घाटन होना है, लेकिन शुक्रवार को भी वो उद्घाटन पोस्टपोन हुआ। कहीं ना कहीं इसके बाद शासन प्रशासन के ऊपर काफ़ी सवाल या निशान उठने लगे कि इस तरह से एक महत्वाकांक्षी योजना है, परियोजना है, तो उसका उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है तो ये परियोजना केंद्र सरकार की है, और केंद्रीय मंत्री आने वाले थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री का दौरा फिक्स नहीं हो पा रहा, इसकी वजह से ये अटकी पड़ी थी, इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। अब संबंधित विभाग ने, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने इसका कार्यक्रम जो तय किया है वो कार्यक्रम ऐसा है कि ये ट्रायल बेस पे चलेगी अभी, और ट्रायल बेस के चलने पर अगर ये सेवा आगे पूरी तरह से सुचारू रूप से हो जाती है तो आने वाले समय में कभी भी शासन इसकी तारीख जाहिर करके इसका विधिवत उद्घाटन करेगा, यानी कि बिना उद्घाटन के ये सेवा आने वाले मंगलवार से, बुधवार से शुरू हो जाएगी। और ये सेवा आप देख सकते हो, एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये जो बोर्ड दिखाई दे रही है इसमें जहां आपको जेसीबी दिखाई दे रहा है उस जेसीबी के आसपास 32 से 33 फोर व्हीलर जो है वहां पार्क किए जा सकेंगे। उसके अलावा कहीं बाइक पार्क की जा सकेगी, और जो रेट आपको बताया वो सभी रेट है। तो अब देखा जाएगा कि ये सर्विस शुरू होने के बाद में किस तरह से ऑपरेट होती है, और इसका क्या कुछ परिणाम निकल के आता है, और उसके साथ ही साथ ये सर्विस एक बार ओपनिंग होने के बाद में जो अब तक उद्घाटन के लिए लटका पड़ा था परियोजना, उद्घाटन इसका कब जाहिर होता है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। यहाँ एक स्थानीय नागरिक संदीप काटकर जी आए हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि इसके बारे में क्या इनकी राय है। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, ये रोरो सेवा स्टार्ट होने में भी उद्घाटन के लिए अटकी हुई है, तो आपको कैसे मालूम पड़ा, आप इसका निरीक्षण करने आए, क्या विषय?
पिछले 3 से 4 साल से देख रहा हूँ मैं, ये काम चल रहा था, बट कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कल उद्घाटन होने वाला है, दिल्ली से मंत्री आने वाले हैं, बट आज आके देखता हूँ तो कुछ उद्घाटन नहीं है। यहाँ बहुत समय जा रहा है हमारा ट्रैवलिंग में, और जिससे ये बहुत फायदेमंद है, सब कुछ तैयार है, टेस्टिंग भी इनका हो चुका है मुझे पता चला, बट मंत्री की देरी की वजह से ये हो नहीं रहा है। सो जो भी मंत्री है वो आए और इसका उद्घाटन कर दे तो सब यात्रियों को रिलीफ मिले। अभी मैं मुंबई जाता हूँ काम पे, ये लोकल में सुबह के टाइम चढ़ने को भी नहीं मिलता, चार चार लोकल चढ़ने छोड़ने के बाद भी चढ़ने नहीं मिलता, तो इससे मैं भाईंदर तक जा पाऊंगा और भाईंदर से मेरी ऑफिस के बस पकड़ूंगा। सो मुझे बहुत फायदा होगा, शारीरिक कष्ट ज्यादा नहीं होंगे, फायदेमंद होगा, जल्दी ऑफिस पहुंच जाऊंगा, पैसे की बचत होगी। अब मैं इसी में जाता हूँ या सादी ट्रेन में चले जाऊंगा मैं काम पे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।